नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में। आज मैं यहाँ पे आप सबके लिए लेके आया हूँ स्पीड टेस्ट कंपैरिजन Redmi Note 9 Pro Max का Samsung Galaxy M31 के साथ में। दोनों ही सेम प्राइस ब्रैकेट में आते हैं। ये आपको मिल जाता है 16,500 में 6GB रैम 64GB वर्जन, और ये आपको मिल जाता है 16,999 में 6GB रैम 128GB वर्जन। इसमें भी अभी प्राइस बढ़ गया है, नहीं तो ये आपको 16,000 में मिल जाता था। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 720G। वहीं पे सैमसंग गैलेक्सी M31 में आपको देखने को मिल जाता है एक्जीनोस 9611, जो कि अगेन सैमसंग का प्रोसेसर है, 2.3GHz पे क्लॉक्ड है। तो दोनों ही सेम प्राइस ब्रैकेट में आते हैं, तो दोनों के बीच में स्पीड टेस्ट तो बनता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं तकनीकी वर्ल्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लेके आता रहता हूँ और आगे भी बहुत सारे मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा दूँ, दोनों ही फ़ोन को मैंने सेम वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है और दोनों ही फ़ोन 6GB रैम वेरियंट वाले हैं। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। टेस्ट को हम दो राउंड में करेंगे। पहले राउंड में हम सभी ऐप्स को वन बाय वन ओपन करेंगे और दूसरे राउंड में हम देखेंगे उसे रिवर्स ऑर्डर में ओपन करेंगे, ताकि हमें रैम मैनेजमेंट कौन से फ़ोन का बेहतर है वो पता चल सके। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मेमोरी में से सब कुछ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब चालू कर देते हैं फेसबुक, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, यूट्यूब, अगेन प्रो मैक्स पहले खुल गया है, अमेजोन, अगेन प्रो मैक्स, सबवे सर्व। अगेन नोट 9 प्रो मैक्स ने पहले खोल लिया है, टेम्पल रन 2, अगेन नोट 9 प्रो मैक्स यहाँ पे अभी लोड ही हो रहा है। उसके बाद खोल लेते डेड ट्रिगर 2, ये थोड़ी हैवी गेम है। यहाँ पे ऑलरेडी खुल चुका है, अगेन प्रो मैक्स, तो PUBG को यहाँ पे प्रो मैक्स ने पहले खोल लिया है। स्मैश हिट, अगेन प्रो मैक्स, सोनिक बूम, अगेन प्रो मैक्स पहले खोला, कैलकुलेटर, प्रो मैक्स, फाइल मैनेजर, M31 पहला टास्क है जो इसने पहले ओपन किया है, कॉन्टैक्ट्स, अगेन प्रो मैक्स, गैलरी, प्रो मैक्स, सेटिंग्स, M31 ने पहले खोला, कैमरास, प्रो मैक्स, डायलर ऐप, प्रो मैक्स, प्रो मैक्स, गूगल क्रोम, अगेन प्रो मैक्स। तो पहले राउंड में सारे ऐप्स को Redmi Note 9 Pro Max ने जल्दी ओपन कर लिया है। Samsung Galaxy M31 ने सिर्फ दो ही ऐप को Redmi Note 9 Pro Max से पहले ओपन किया है। अभी हम इन दोनों फ़ोन का रैम मैनेजमेंट चेक कर लेते हैं, रिवर्स ऑर्डर में सारे ऐप को ओपन कर लेते हैं।
पहले सबसे जरूरी बात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको आपके मोबाइल में रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको टच करना है और काला कर देना है। अगर वो काला हो जाता है तो आपका मोबाइल सही से वर्क कर रहा है, अगर काला नहीं होता है तो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले गूगल क्रोम मेमोरी में है, मैसेजेस मेमोरी में है, यहाँ पे मेमोरी में यहाँ पे लोड हुआ है प्रोमैक्स में। फिर से लोड किया है नोट 9 प्रोमैक्स ने। सैमसंग का रैम मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। पबजी ये लोड हो रहा है दोनों ही फोन में। मेमोरी में है प्रो मैक्स ने फिर से लोड किया है। अगेन सैमसंग ने मेमोरी में रखा है। प्रो मैक्स का रैम मैनेजमेंट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, काफ़ी सारे ऐप्स रीलोड कर रहा है ये, जल्दी तो ओपन हो जाते पर मेमोरी में नहीं रख पा रहा है। अगेन मेमोरी में है, मेमोरी में है, अगेन मेमोरी में है। तो पहला राउंड यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max ने जीता है, सभी एप्स को जल्दी ओपन कर लिया है। और दूसरे राउंड में जहाँ पे हम रैम मैनेजमेंट चेक करते हैं तो वहाँ पे Samsung Galaxy M31 का रैम मैनेजमेंट बेहतर निकल के आया है। काफ़ी सारे ऐप्स को, ऑलमोस्ट सभी ऐप्स को उसने मेमोरी में रखा था। वहीं पे Redmi Note 9 Pro Max ने यहाँ सोनिक बूम से लेके बाकी सब ऐप्स को रीलोड किया था। तो रैम मैनेजमेंट यहाँ पे Samsung का बेहतर है और ऐप ओपनिंग स्पीड जो है वो Redmi Note 9 Pro Max की बेहतर है, क्योंकि प्रोसेसर भी वो थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलता है कंपेयर टू Exynos 9611। तो बस यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।